आप सबको नमस्कार। भारत के जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जिन्हें हम कवर कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम गुजरात को कवर कर चुके हैं, मध्य प्रदेश को कवर कर चुके हैं, आज जो हम स्टेट पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ये नॉर्थ इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। अगर आप इसकी लोकेशन देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन के अंदर ये कहाँ पर है। ये आपको रेड कलर से नज़र आ रहा होगा, जेएनके के बहुत पास है, चाइना बॉर्डर के बहुत पास है। ये जो है ये मैप है पूरा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल है शिमला एंड धर्मशाला, शिमला एंड धर्मशाला। हिमाचल का मतलब होता है स्नो लैंड, ठीक है जी। और प्रदेश का मतलब आप जानते हैं, तो हिमाचल का मतलब हिम से निकल कर है, मीन्स बर्फ, ठीक है जी, स्नो। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करते हैं इनसे आपकी, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी हैं और बंदारू दत्तरिया जी इनके गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 तक आपका जो था एक यूनियन टेरेटरी था, लेकिन 25 जनवरी 1971 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। ये भारत का 25वां राज्य था, ठीक है जी। तो आपका आपका ये स्टेट बना था 25 जनवरी 1971 को, ठीक है जी। और 25 जनवरी 1971 को इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 4 हैं, राज्यसभा की यहाँ पर सीटें 3 हैं, ठीक है। लोकसभा की सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 12 हैं। तो अब ऐसा कर लो, 4 × 3 कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। तो 12 यहाँ क्या हो गया डिस्ट्रिक्ट, 4 सीटें लोकसभा की, 3 सीटें राज्यसभा की। बात करते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहाँ पर 68 सीट्स हैं। और इनके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनका नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी। डन। नेशनल पार्क्स के अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इनके पास, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ नहीं डाली है क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम उसको अलग लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपके, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क एंड सिंबल बारा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आपको पता होगा दोनों ही भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और तिब्बत, जो कि चाइना ने हथियार रखा है तिब्बत, ठीक है जी। और जो है आपकी कुछ इसकी बाउंड्रीज उत्तर प्रदेश को भी टच करती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम आपको देखेंगे। देखिए ये रहा हमारे पास हिमाचल प्रदेश, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा आपका पंजाब, ये रहा आपका देहरादून, ठीक है जी। ये आ गया आपके कुछ राज्य, ठीक है जी, पड़ोसी मुल्क आ गए इसके। ये रहा आपका हरियाणा, ठीक। अगर आप इनकी ट्राइब्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कोली ट्राइब, हाली ट्राइब, तागी, दासा, खासा, कंडुआ, किरात जो है इनकी प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स हैं, मतलब ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं आपके इस रीजन के। रियो पुर्गिल इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश इंडस हो या आपका गंगा हो, इन दोनों को ही जो इनका बेसिन है यहाँ पर पानी प्रोवाइड करता है, यहाँ से पानी जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है, चंद्रभागा भी है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज और आपका यमुना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्पल की प्रोडक्शन की। तो एप्पल प्रोडक्शन के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ठीक है। एप्पल प्रोडक्शन के अंदर नंबर वन पे तो जम्मू एंड कश्मीर ही है, एप्पल के नंबर एप्पल की प्रोडक्शन में नंबर वन पे जेएनके है, लेकिन नंबर दो के ऊपर हमारा जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश है। इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे शिमला है, किन्नौर है, कुल्लू, मांडी, चंबा, इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार होती है एप्पल की।
आगे बढ़ते हैं हम आपके। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जो उसका टूरिज्म में डे बाय डे इंक्रीज होता ही जा रहा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी तो उस जमाने से जब ब्रिटिशर्स राज किया करते थे उन्हीं के नाम पे बड़ा भी है, लॉर्ड डलहौजी के नाम पे। चंबा, कुल्लू, कसौली, ये पॉपुलर हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो चाहे आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट हो। ठीक है, टेम्पल्स की बात करते हैं तो नैना देवी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैंने एग्जाम में देखा था, नैना देवी टेम्पल, बजेश्वरी माता टेम्पल, ज्वाला जी टेम्पल, माँ चिंत्रपुर्णी टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चमुंडा देवी टेम्पल, बजरीनाथ टेम्पल, ठीक है जी, बीजी महादेव, ये कुछ टेम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीमाश लेक, ये आपका भरमौर रीजन में डिस्ट्रिक्ट चांबा डिस्ट्रिक्ट में अंदर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और यहाँ पर इसे जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का, इसे बोला जाता है लैंड ऑफ द गॉड्स। हो सकता है लैंड ऑफ द गॉड्स क्या है, तो ये आपका है। अच्छा, ये जो आपको मैंने लेक बताइए ना, यहाँ अगस्त के महीने के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं जो निभाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर नैरो गेज की रेलवे चलती है जिनको दो रेलवे लाइन को तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। एक है कालका शिमला रेलवे, दूसरी है पठानकोट जोगिंदर नगर लाइन। ठीक है जी, अगर आप इनकी इकोनॉमी की बात करेंगे तो आपका जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म तो है ही है, साथ में आप कारपेट्स देखिए जो हैंडमेड भी हैं, लेदर वर्क्स हैं, कुल्लू की शॉल्स, कांगड़ा की पेंटिंग, चंबा रुमाल, स्टोल्स, एम्ब्रॉयडरीड ग्लास फुटवेयर, ठीक है, जिन्हें पुलान चप्पल भी कहा जाता है, तो ये भी इनकी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इनको एडवांटेज देते हैं। कुछ बात करते हैं नोटेबल पर्सनस की जो यहाँ से हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूँ जो 14वें दलाई लामा जी हैं, तंजिन गैत्सो, इन्हें नोबल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है जी, ये फॉर्मर हेड रह चुके हैं, आपको जैसे मैंने बताया कि जो तिब्बत का एरिया है वो चाइना ने हथियार रखा है, तो जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल था वो यहाँ से हेड करते थे श्री दलाई लामा जी। देवानंद, मशहूर बॉलीवुड एक्टर यहाँ पे पढ़े हैं, ए ओ ह्यूमे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है जी, वो भी यहीं से पढ़े हैं जो कांग्रेस के आपके वो भी थे जो फाउंडर थे। हामिद करजाई, आपको पता होगा ये फॉर्मर है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के हामिद करजाई जी, वो भी आपका यहाँ से पढ़े हैं। डैम्स की बात करते हैं तो आसान बैरेज है, भागड़ा डैम मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में अभी, चैमरा डैम मैं भी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, महाराणा प्रताप सागर, पोंग डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कडोम डैम, ठीक है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है जब भी हम आगे पढ़ेंगे भी। सबसे पहले पढ़ते हैं भागड़ा डैम। भागड़ा डैम क्या है? भागड़ा डैम जो है ये डैम है जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है। भागड़ा डैम किस रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर है। भागड़ा डैम सतलुज रिवर के ऊपर है जो कि बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये जो डैम है ना ये गोविंद सागर रिजर्वियर बनाता है, याद रखिएगा गोविंद सागर रिजर्वियर बनाता है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्वियर है, तो आप पूछ सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा रिजर्वियर कौन सा है, तो गोविंद सागर रिजर्वियर है। ठीक है जी, जो भागड़ा डैम है उसे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, तो कभी पूछ सकते हैं कि ये लाइन किसने कही है, तो ये कही है जवाहरलाल नेहरू जी ने, और किसके लिए कही है? भागड़ा डैम के लिए कही है। भागड़ा डैम जो 15 किलोमीटर दूर है नांगल सिटी से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नांगल डैम की बात करते हैं। नांगल डैम जो है पंजाब के डाउनस्ट्रीम इलाका पड़ता है, वहां पर ये है। कभी कभार इन दोनों को, भागड़ा डैम और नांगल डैम को इकट्ठा करके बोलते हैं भागड़ा नांगल डैम, लेकिन दोनों में फर्क है, 15 किलोमीटर का इनमें डिस्टेंस का फर्क है। ठीक है जी, और ये जिसकी ओपनिंग डेट थी वो थी 1963, तो पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ है, 1963 से आपका ये शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पोंग डैम की बात करते हैं। पोंग डैम ब्यास रिवर के ऊपर है। पोंग डैम किस रिवर के ऊपर है? पोंग डैम ब्यास रिवर के ऊपर है। ठीक है जी, ये आपका जो आपका द लेक क्रिएटेड बाय डैम इज महाराणा प्रताप सागर। ठीक है जी, आपको बता दूं जो यहाँ से पानी निकलता है वहाँ से लेक बनाई जाती है, इसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। ठीक है जी, फॉग डैम्स की बात करते हैं, नत्थी, माला, ठीक है जी, माला मीन्स आप जानते हैं गार्लैंड होती है। ठीक है जी,
ये इनके फोक डांस है। स्टेट एम्बलम की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एम्बलम है ये वाला, ठीक है। सत्यमेव जयते इनका मोटो है, ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। बात करते हैं इनके एनिमल की तो स्टेट एनिमल है इनका स्नो लेपर्ड है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है ये, स्नो लेपर्ड इनका। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो वेस्टर्न त्रोगोपन है, ये रही इसकी तस्वीर, ठीक है जी। और स्टेट फ्लावर है आपका पिंक रोडोडोरोन। स्टेट ट्री की बात करते हैं, ये उधर सीधा, ये इनका स्टेट ट्री है।